दुमका के जामा थाना क्षेत्र के जयपुरा गांव से बुधवार देर रात उत्पाद विभाग ने अमर मंडल के गोदाम से लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब और शराब बनाने वाले स्पिरिट बरामद की है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि जब्त शराब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही विक्रित होता है। इसे यहां डंप कर रखा गया था, जिसे बिहार में खपाने की योजना थी। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जो बिहार के शेखपुरा का रहने वाला है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय शराब गिरोह का है, जो अरुणाचल में बनने वाले शराब को झारखंड और बिहार में बेचता है। ये जब्ती हुई है जामा से, जरपुरा एक जगह है जामा में, वहाँ से ये जब्त किया गया। किसके कैंपस से? कैंपस से हुआ है सर। ये प्रिमाइसेस है, अमर मंडल करके एक व्यक्ति है, उनके नाम से है प्रिमाइसेस, और वहीं से ये जब्त किया गया। अमर मंडल राया मुस्तफा खान इस व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ से ये जो पकड़ा गया। किसके कहने पे पकड़ा गया? एक्चुअली इस संबंध में जो लैंड ओनर है उनसे बात की गई, अमर मंडल जी से। तो उनसे बात जब की गई तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को उन्होंने लीज पे दिया हुआ, तो ये बताया। फिर इससे कांटेक्ट करके इसको बुलाया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तारी की गई, तो इसने स्वीकार भी किया है कि ये कार्य कर रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।